आज हम आए हैं आसिफ भाई की दुकान पे, जो कि लखनऊ में पतंगबाजी में आसिफ मोरंग से भी बहुत मशहूर हैं, जाने जाते हैं। ये किस लिए मशहूर हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आसिफ भाई का सीमेंट का काम भी है, और ये देखिए सीमेंट के काम का जो भी उनका है ब्रांड है, मोरंग है, ये सारी चीज़ें ACC के डीलर हैं, और ACC के साथ भी प्रिज्म के भी डीलर हैं, तो दोनों ही काम इनका होता है। लेकिन ये शौक़ है पतंग का, जो इनको पतंग का सामान बेचने के लिए और ख़ुद के उड़ाने के लिए शुरू कर दिया है आसिफ भाई ने। तो आसिफ भाई से हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे, और इनके पास कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको लखनऊ में किसी भी दुकान में अवेलेबल नहीं होगा। हम आपको मिलाते हैं इस काइट शॉप ओनर से, आसिफ भाई से, जो कि मशहूर है आसिफ मोरंग नाम से। तो ये है हमारे आसिफ भाई, और इस काइट शॉप ओनर के और सीमेंट मोरंग के भी ओनर आसिफ भाई। तो आसिफ भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आसिफ भाई ये बताइए, आपका ये बिजनेस है काफी पुराना था मोरंग सीमेंट का, तो ये पतंग का बिजनेस आपने कैसे शुरू करा, क्या सोच के शुरू करा? पतंग का शौक इसे किया कि जिससे लोगों से हम मिले जुले हैं। मोरंग वालों काम में क्या होता है, 5 बार काम खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद हम अकेले बैठे थे, दिमाग में बात है कि पतंग चक्की डोर का काम किया जाए। इससे ये कि 2-4 मिलने आते हैं, एक लगाव होता है पतंग चक्की डोर का, कुछ कस्टमर भी आने लगे, लोगों से मिलने भी लगे, अपना बैठे हुए चक्की दिखा रहे हैं और टाइम मेरा कट जाता है उसमें। इसके अलावा जो है, और यही पतंगबाजी बहुत शौक करते हैं, महीने में कम दम जो 15-20 दिन लड़ाते हैं। तो आसिफ भाई इस टाइम किस क्लब से शौक कर रहे हैं आप? ओल्ड तहजीब के नाम से लड़ा रहे हैं। ओल्ड तहजीब में लड़ा रहे हैं जी। तो देखिए आसिफ भाई ने बताया कि कैसे सीमेंट के काम के बाद इन्होंने पतंग का भी काम शुरू करा। काफी मटेरियल इनका लगा हुआ है दुकान में, आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशल मटेरियल है, कुछ ऐसे बंडल है, कुछ पतंगे हैं जो आपको सिर्फ आसिफ भाई की दुकान पे मिलेगी, जो कि आपके मेहंदीगंज में पड़ती है, हैदरगंज चौराहे पे। अभी हम आपको इनका कंप्लीट एड्रेस और जो फोन नंबर है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आसिफ भाई कुछ पतंगे दिखाइए जो आपके पास हो, बढ़िया कारीगर आदमी लेना चाहे, लोकल का या परदेशी। नसीम की मेरठ की अद्दी है, ये देखिए नसीम की मेरठ की अद्दी है, ये मोहर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फोटो है, बढ़िया पतंग। इसी तरह पौने भी आपको मिल जाएंगे नसीम की। अच्छा, इसी तरह पौने भी मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। ये सुधीर की है, गोल पातर की पतंग। देखिए सुधीर मेरठ, ये गोल फर्मे की पतंग, बहुत बढ़िया पतंग, और काफी मशहूर कारीगर है सुधीर भाई। ये सुधीर की पतंग है, देखिए ये भी सुधीर की तोखा। अभी मैंने आपको सुधीर की एक चप दिखाई थी गोल फर्मे की, दूर गिराने के लिए, और ये देखिए लंबे फर्मे की है, थोड़ी लंबे फर्मे पतंग है, बहुत ही शानदार है, ये छोटे पे भी होती है। सुधीर भाई से हम डायरेक्ट पतंग लेते हैं, तो ये डायरेक्ट माल आता है सुधीर भाई से, ये किसी बीच वाले शॉप से या किसी और बीच वाले से नहीं मिलता, डायरेक्ट माल आता है मेरठ से। काफी मशहूर कारीगर है सुधीर भाई मेरठ के जी, देखिए उनकी पतंगे भी है, और ये हमारे लखनऊ के मशहूर 56 भाई जिनकी कंप्रेस मोहर होती है, ये मैं आपको मोहर दिखा दूं थोड़ा करीब करके, ये देख सकते हैं कंप्रेस मोहर है, बहुत बढ़िया। ये 56 जाई पतंग है, ये 56 भाई की पतंग। आसिफ भाई आप क्या रेट दे रहे हैं? ये 56 जाई पतंग 50 रुपए की है। 50 रुपए की, तो लखनऊ वालों के लिए या परदेशी कोई बाहर से लेना चाहे तो क्या अलग अलग रेट है? रेट एक ही है, चाहे आप लोकल लिए तब भी वही रेट लगाएंगे, बाहर जाएगी तब भी वही रेट लगाएंगे। और ये जो तोखा सुधीर भाई की लंबे काट की, इसका क्या प्राइस है? इसका जो 33 रुपए, इसका 33 रुपए। और गोल फर्मा जो नीचे चप वाली थी, मैं एक बार फिर से दिखा दूं, ये इसका क्या प्राइस है आसिफ भाई? आपको 36 रुपए लगेगा। ये 36 रुपए, और ये जो अद्धी है आसिफ भाई, ये भी बता दीजिए, बढ़िया अद्धी है, इसका क्या प्राइस? 24 रुपए। तो देखिए अब आगे जो पतंग है उसके प्राइस हम पूछते चलेंगे साथ में। आमिर की, ये देखिए एक बढ़िया पतंग आमिर की, रामपुर मुरादाबाद की पतंग है, कितनी गजब की पतंग है, लंबे काट, जो हाथ पैर से लड़के आजकल लड़ाते हैं खींचने वाले, उनके लिए बढ़िया पतंग। तो इसका क्या रेट है आसिफ भाई? 30 रुपए की, 30 रुपए की पतंग है, बहुत बढ़िया पतंग। ये वसीम की पतंग, ये देखिए वसीम मुरादाबाद, काफी मशहूर कारीगर है, वसीम भाई खुद भी पतंग लड़ाते हैं, ये आपने देखा होगा कई वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, शबाज नियाजी जी की, बढ़िया पतंग, बढ़िया फिनिश, खींच के लड़ाइए चाहे दूर लड़ाइए, पतंग एक जैसी चलती है, बढ़िया पतंग। ये वसीम भाई की पतंग कितने की आसिफ भाई? वही रेट जो आमिर बताई थी, 30 रुपए। 30 रुपए की, बढ़िया पतंग। ये राजा की मेरठ, और ये देखिए राजा की अद्दी, और ये सब मैं एक चीज बता दूं आपको, ये सब जो पतंगे हैं वो ओरिजिनल है, बहुत से कारीगर क्या करते हैं डुप्लीकेट बनवा लेते हैं और डुप्लीकेट बेचते हैं, तो पता चल जाता है फिनिश से, तो इसकी फिनिश आप देख लीजिए,
जो पतंगे मैं आसिफ भाई को आपको दिखा रहा हूँ और जो आपको डुप्लीकेट पतंगे हैं उससे फर्क पता चल जाता है। तो ये अद्धी जो है राजा की, इसका क्या प्राइस है आसिफ भाई? 30 रुपए। ये भी 30 रुपए। और ये देखिए हमारे लखनऊ के एक नंबर के कारीगर, जो कि हर टूर्नामेंट में इनकी पतंग ना उड़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बबलू भाई। और ये देखिए बढ़िया पतंग है। तो आसिफ भाई ये बबलू भाई की पतंग अब क्या रेट मिल रही है? बबलू की पतंग 50 रुपए की है। 50 रुपए की? हाँ, लेकिन जब ऑर्डर देंगे तब मिल पाएगी। अच्छा, जब ऑर्डर देंगे तब मिलेगी, वरना जो आपके पास है बस वही मिलेंगे। वही मिलेगी, पक्का नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं बबलू भाई ऐसे कारीगर हैं, पतंगे रुकती नहीं है, तो इसलिए अगर आपको ये पतंगे चाहिए और आपको टूर्नामेंट क्योंकि होने वाला है लखनऊ में, अगर आप लड़ाना चाहते हैं तो आप 15-20 दिन पहले या एक महीना पहले अभी बोल देंगे तो हो सकता है आसिफ भाई इसकी अवेलेबिलिटी करा दे। और अगर गार्डदार पतंगे चाहिए हो बबलू भाई की तो मिल जाएंगे आसिफ भाई? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, जो साफ बात है वो आसिफ भाई ने बता दी कि जो मिल सकता है बता दिया, जो नहीं मिलेगा वो पहले आपको क्लियर कर दिया आसिफ भाई। और ये देखिए एक पतंग है, लेकिन इस पे किसी की मोहर नहीं। आसिफ भाई ये किसकी पतंग है? अद्धी है। पतंग है वो जो है, नहीं चाहते कि अपना प्रचार करें, लेकिन अच्छा पतंग देते हैं फुप्पा की है। अच्छा, खुद बनाते हैं। तो देखिए फुप्पा की पतंग है, वो मोहर कोई ब्रांड कोई निशान नहीं, लेकिन वो पतंगे मिलती है सिर्फ आसिफ भाई को। और देखिए ठड्डा कितना गजब का तगड़ा ठड्डा लगा है, जिसे कहते हैं कमर है पतंग की, गजब का ठड्डा। तो ये हमारे फुप्पा बैठे हैं जिन्होंने ये खूबसूरत पतंग बढ़िया काप ठड्डे बनाई है। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया फुप्पा कौन है, जो कि खास है बहुत आसिफ भाई के, और सिर्फ आसिफ भाई के पास ही ये फुप्पा की पतंग मिलेगी। तो आसिफ भाई ये बताइए, क्योंकि ये एक ऐसे कारीगर हैं जो सिर्फ आप ही के पास पतंग देते हैं, आप ही के खास हैं। और एक चीज और आसिफ भाई, क्योंकि फुप्पा अभी हमने तो लखनऊ में नाम नहीं सुना, हम भी काफी टाइम चलाते हैं, तो ये फुप्पा कब से मशहूर हैं, कैसे पतंग बनाने लग गए, पहले क्या करते थे फुप्पा? ये पतंग उड़ाते थे हमारे साथ में। अच्छा। और लड़ाके लाते में इनको शौक चला ये बनाने का। अच्छा। ये थोड़ा रफ बनाते थे, लेकिन इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई थी 56 अली नवाब, जो पूरे लखनऊ के पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कारीगर है। जी जी। तो ये उनके पास गए, उन्होंने उनसे पतंग सीखी, तो इस लेवल बनाने लगे और बहुत ही अच्छी पतंग बनाने लगे। तो आप देख सकते हैं पूरी कहानी बताई आसिफ भाई ने कि किस तरह से शुरू करा फुप्पा ने। तो फुप्पा कितने साल से पतंगे बना रहे हैं? बना तो रहे अब चार साल से बना रहे। चार साल से बना रहे, चार साल से बना रहे पतंग, पौनी मुनी की है। तो देखिए आसिफ भाई की जो नीली हाथ में है ये भी फुप्पा की है, बढ़िया पौना है, बढ़िया कमान ठंडा लगा है, और ये अद्धी है, बढ़िया पतंग फुप्पा की। जी देखिए भारी पतंग आसिफ भाई अपने लिए बनवाते, इनका कोई पर्सनल कारीगर, उसका नाम नहीं बताना चाहते, इनके खास है। तो आसिफ भाई का कहना यह है कि अगर आपको ये गोल फरमे की भारी का बढ़िया काप ठंडे की पतंग चाहिए तो ये दे सकते हैं आपको, लेकिन कारीगर नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आसिफ भाई आप ये देंगे तो किस रेट में देंगे? 2200 रुपए रेंज में। तो देखिए बहुत बढ़िया भारी पतंग है, क्योंकि हर आदमी दीप कुमार की पतंग नहीं ले सकता है। देखिए एक और भारी पतंग है, ये भी इनके कारीगर है, जो गोल पतंग है, ये भी दोनों पतंगे गोल है। देखिए काली वाली भी एकदम गोल पतंग है, ये देख सकते हैं, और चप भी एकदम गोल पतंग है। तो ये आसिफ भाई के कोई खास लोग हैं जो उनके लिए बना के देते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आसिफ भाई से आप ये पतंगे ले सकते हैं। तो दोनों का रेट आसिफ भाई एक बार फिर बता दीजिए। मतलब 20 से 22 के रेंज में ये मिलेगी काली वाली, और ये 15 रुपए के रेंज में। तो देखिए आप लोग भारी पतंग, हर टीम में कोई ना कोई भारी जरूर आता है, आपको ये भारी पतंग भी मिल जाएगी। और ये देखिए नीली सफेद पत्ता और फुल नीली, 15 रुपए में भारी पतंग है, बहुत बढ़िया पतंग आसिफ भाई। बंडल डोर एक से एक चरखियाँ आप अगर देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, कलेक्शन की कमी नहीं है, एक से एक डोरे हैं। कोई भी कार्ड हो, कोई भी फर्मा हो, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सद्दी डोर, फैंसी चरखियाँ, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। काफ़ी कलेक्शन है और काफ़ी बड़ा कलेक्शन है, कुछ छोटा मोटा नहीं, कुछ छोटे मोटे बंडल नहीं। आप चाहे सस्ता पतंग लड़ाते हो, चाहे सस्ती डोर लड़ाते हो, आपको महंगी डोरे और सस्ती डोरे दोनों ही यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये देखिए एक कमरा ये है जिसमें माल भरा हुआ है, और एक कमरा अंदर की तरफ भी है। ये देखिए तो एंट्री करते हैं और सामने देख सकते हैं कितने बंडल लगे हुए। देखिए एक से एक डोरे, एक से एक बंडल, जो अच्छे हर प्लेयर के पास आपको मिल जाती हैं वो अपने पास जरूर रखते हैं, अच्छे बंडल, कभी बचाने के लिए, कभी काटने के लिए। वो सारे बंडल आपको आसिफ भाई की दुकान पे मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ा कलेक्शन है, एक बार ज़रूर विजिट करें तब आपको पता चलेगा कि इनके पास जो मटेरियल है वो लखनऊ की बहुत सी दुकानों में अभी तक है ही नहीं। तो आसिफ भाई को रीलें भी दिखा दीजिए। रील हमारी रिंकू की है, ये
तो देखिए रिंकू भाई का बंडल खोलना है। रिंकू की डोर जो है हम लड़ा तो रहे हैं जो है 20 साल की डोर। अच्छा 20 साल से आप लड़ा रहे हैं? हाँ 20 साल हम डोर लड़ा रहे हैं, लेकिन इस डोर से मैंने बहुत नौ काटे हैं। जी जी। और ज्यादातर जो है डोर इन्हीं के हम बेचते हैं। अच्छा। और ये जो हमारे शंभू भाई जो नाम सुना होगा, हाँ लखनऊ में शंभू काफी मशहूर है, पहले पाकिजा में लड़ाते थे, अब न्यू तहजीब में लड़ा रहे हैं। तो देखिए बढ़िया कलर है, कुछ कलर सुरमई टाइप में है, ब्लैक भी नहीं है और ना ही ग्रीन है, अलग कलर है। धर्रा दिखा दीजिए आसिफ भाई एक बार इसका, तो क्योंकि वीडियो में तो आदमी देख के नहीं पता चल सकता, लेकिन मैं छू के शायद बता दूं तो लोग कुछ ना कुछ तो समझ ही जाएंगे। तो मीडियम धर्रा है इसका, बढ़िया डोर, मीडियम धर्रे की डोर है, मीडियम से भी कह सकते हैं आप, थोड़े 19 की तरफ ही है, बढ़िया डोर है रिंकू भाई की। और देखिए आसिफ भाई एक और रिंकू भाई का बंडल खोल लें। अभी डोर मैंने रिंकू भाई की बॉम्बे भेजी डोर। और ये देखिए ये कलर इसका एकदम अलग है और धर्रा सेम है, एक जैसी डोर, बिल्कुल बढ़िया फिनिश। तो आसिफ भाई ये बताइए रिंकू भाई के बंडल आप ही के पास हैं, अभी तक तो मैंने किसी दुकान पे ये कारीगर के बंडल नहीं देखे, तो क्या रेट है आसिफ भाई? ये टूर्नामेंट की डोर बनी 2800 की रेंज में डोर है। 2800 की रेंज में है टूर्नामेंट की। तो अगर मान लीजिए कोई लेना चाहता है, क्योंकि टूर्नामेंट लखनऊ में होने ही वाले हैं फरवरी से, डोर एसोसिएशन के अलग अलग टूर्नामेंट है, एक सीनियर सिटीजन भी टूर्नामेंट है, तो ये अगर कोई लेना चाहेगा आपसे तो क्या रेट देंगे? 2800 का रेट है, अगर कोई आपस में 150 की कोई बाकी ना। अच्छा, लेकिन डोर का रेट 2800 रिंकू की है। तो ये बताइए फिर ये जो डोर है ये आपकी फर्स्ट किट है, क्योंकि ज्यादातर टूर्नामेंट में पेज काफी रेंज में होता है और फंस जाता है पेज। देखिए डोर अगर अच्छी होगी तो जवाब देगी, इतना पैसा आदमी क्यों दे रहा है, किसी वजह दे रहा है कि डोर मेरी अच्छी हो और फंसे तो उसको रिस्पॉन्स अच्छा दे। तो देखिए आसिफ भाई के हाथ में अभी दो बंडल है और बाकी इनके पास रिंकू के बहुत से बंडल है, एक नंबर की डोर है, बाकी आपका जैसा बजट है आप इस डोर को ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डोर आती है। अच्छा इसमें एक और ब्लॉक है। हाँ, ब्लॉक एक नंबर वन है जो नॉर्मल कलर है, वो है रेट बताते चलिए पूरा 1600 रुपए की रेंज में है। अच्छा। और एक जो है 1850 की रेंज में, और एक सबसे जो टूर्नामेंट डोर बनाई है। अच्छा। ये जो है 2700 की रेंज में, मतलब 2800 बोला था लेकिन 100 रुपए कंसेशन हमारी तरफ से रहेगा। तो देखिए अगर आप वीडियो के थ्रू आएंगे तो कंसेशन मिलेगा थोड़ा सा। और एक चीज और, ये रिंकू भाई के 3 ब्लॉक है जैसा बताया आसिफ भाई ने, आप सुन सकते हैं 1850, 1600 और ये 2800 जो टूर्नामेंट स्पेशल है। और आसिफ भाई आपके पास कौन से बढ़िया डोर हैं? ये कल्लन का चौवारा धुला हुआ। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि कुछ डोरे ऐसी हैं जो आपको सिर्फ आसिफ भाई की दुकान मिलेगी। देखिए कल्लन का चौवारा, आदमी जो फंसाने वाला है और भोपू पतंग उड़ाता है, भारी पतंग उड़ाता है, वो चाहता है कि उसके पास कल्लन का चौवारा हो, लेकिन काफी महंगा मिलता है और अवेलेबल नहीं होता। तो ये देखिए आसिफ भाई के पास कल्लन का चौवारा है। तो आसिफ भाई ये क्या रेट है कल्लन का चौवारा, ये धुला हुआ? ये धुला हुआ 400 रुपए का है और नॉर्मल जो 350 रुपए का है। तो ये देखिए नॉर्मल 350 और धुला हुआ 400, ये पर फिरकी का रेट है। 8 फिरकी आती कल्लन डोर में, 8 फिरकी की डोर आती है कल्लन की, 12 फिरकी की चरखी में, और सिर्फ हमको लखनऊ में देते हैं और लखनऊ में सिर्फ आसिफ भाई को मिलती है। देखिए आसिफ भाई पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं, मतलब शौकीन भी इनसे लेते हैं कल्लन भाई से, भी ऐसी बात नहीं ना, लेकिन जो डोर जो हमको दुकानदारों में लखनऊ से हमको देते हैं। तो आपने सुना आसिफ भाई ने क्या कहा, बढ़िया डोर है। तो कल्लन का चौवारा मेन था आज की दुकान का, हम कल्लन की डोर बहुत लाते हैं। तो देखिए आसिफ भाई भी भारी के शौकीन है, आप किसी से भी लखनऊ में पूछ लेंगे तो जानते हैं कि आसिफ भाई भारी पतंग से अच्छे अच्छों को हिला चुके हैं और वो चौवारा ही लड़ाते हैं। तो आज बता दिया कि कल्लन का चौवारा ही बांधते हैं और डायरेक्ट उनके लिए आता है। और आसिफ भाई कौन सी डोर है आपके पास? मिर्जा जी आ गए हमारे, मिर्जा जी, मिर्जा जी देखिए काफी मशहूर नाम है मिर्जा जी, बढ़िया कलर, पिस्ता कलर और खुले बल की डोर है। मैं थोड़ा सा आपको और करीब करके दिखा देता हूँ, मिर्जा जी की डोर है 9 बाहर की। तो ये देखिए स्पीड डोर है 1 2 3 नंबर 1, ये हमारी बन के आई है टूर्नामेंट के लिए। तो ये टूर्नामेंट के लिए स्पेशल आई है, लेकिन अगर कोई चाहता है इनसे लेना तो ये उसको बेचने के लिए भी तैयार है आसिफ भाई, लेकिन स्पेशल डोर है मिर्जा जी की। और देखिए फैसल भाई के हाथ में एक और कलर है जो की पिस्ता जैसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा येलोइश है और बड़ा खूबसूरत कलर है। तो आसिफ भाई ये भी स्पीड ब्लॉक पे ही है मिर्जा जी की, इसके 3 ब्लॉक हैं। ये देखिए इसके 3 ब्लॉक बताइए आसिफ भाई, इसके कौन कौन से ब्लॉक आते हैं? 98 है, 98 2200 रुपए का है, 2200, 007, 007 जी, और 2400 स्पीड है, एमएम स्पीड है, वो जो है 2600 रुपए, 2600 रुपए। तो देखिए तीनों ब्लॉक मैंने बता दिए मिर्जा जी के किस रेट में अवेलेबल है, ये मैंने आपको बता दिया, आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि टूर्नामेंट होने वाले हैं और अच्छी अच्छी डोरें आसिफ भाई के पास आ चुकी हैं टूर्नामेंट के लिए। और ये देखिए आजकल लड़ाने वाले अच्छे प्लेयरों के पास ये डोर मिल जाएगी, एजाज बेग जिनका रैपर पे बरेली लॉयंस रहता है। तो ये देख सकते हैं डायरेक्ट लेते हैं डायरेक्ट,
तो देखिए डायरेक्ट माल आता है, ज्यादातर भाई से बात कर सकते हैं, आसिफ भाई रोड जाती है यहाँ से। तो देखिए आसिफ भाई ने बताया कि डायरेक्ट माल आता है, वो 2400 चल की देते हैं, 2600 के बेचते हैं। देखिए जो सच्चाई है वो सारी चीजें देखिए आसिफ भाई बता दे रहे हैं आपको। जब बाहर का मंगाएंगे तब भी 2600 देंगे, लोकल मंगाएंगे तब भी 2600 देंगे, चाहे लखनऊ का हो या लखनऊ के बाहर का हो, दोनों के लिए आसिफ भाई की दुकान पे एक ही रेट है। और रिजाज भाई वहाँ से 2400 देते हैं हम लोग को। अच्छा, तो देखिए सच बात जो थी, जो कि रील के कारीगर एजाज भाई खुद बरेली लॉयंस के, जो रेट पे लेते हैं वो रेट आसिफ भाई ने बता दिया कि किस रेट पे वहाँ से आती है, कितना वो उस पे प्रॉफिट लेते हैं। अब जैसे मान ली मिर्जा जी की डोर है, हमने आपको 2600 की बताई, अगला आदमी जो 2300 की दे रहा है मिर्जा जी की स्पीड डोर, तो आप होशियार हो जाइए, क्यों डोर पक्का डुप्लीकेट डोर है, क्योंकि जो है मिर्जा की डोर लोग डुप्लीकेट बेचते बरेली में बेचते हैं, अब उनका नाम नहीं लेंगे, सब जानते हैं, लेकिन जो है डोर जो है डुप्लीकेट उनकी मिर्जा जी की बहुत आती थी, अब जो डोर सिर्फ हम ही को देते हैं मिर्जा जी, और अगर 3-4 तो फर्क डोर में अगर है तो समझ लीजिए आप होशियार हो जाइए कि ऐसा क्यों है, तो आप पड़ताल पे जाइए, उसका नंबर देखिए और मिर्जा जी को फोन कीजिए, डोर की रेट क्या क्या मिल रहा है, अलीगढ़ है, राजस्थान है, बीकानेर है और बम्बई है, मैंने मिर्जा जी डोर हर जगह पहुँचाई है। तो देखिए आसिफ भाई ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आदमी सोचता है कि यार ये डोर हमको यहाँ पे इतने सस्ते की मिले, तो सस्ते की क्यों मिल रही है, क्या वजह है, वो आसिफ भाई ने बता दी। अगर आपको टूर्नामेंट की कोई डोर बहुत सस्ते मिली तो सतर्क रहे, और उसके लिए आप पहले पता कर ले, क्योंकि रैपर जो होता है कारीगरों का देखिए रहता है और नंबर भी लिखा होता है, तो आप एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लें, क्योंकि जब कारीगर इतनी महंगी डोर बना रहा है और दुकानदारों को नहीं दे रहा है, तो कोई अपनी महंगी डोर इतनी सस्ते में 400-500 के डिफरेंस में कैसे बेच देगा। तो इस चीज़ के लिए आप खुद समझदार हैं, सोच सकते हैं और उसी हिसाब से आप लीजिएगा। तो देखिए आसिफ भाई के पास और क्वालिटी वाला टून मिलता है, कोई नॉर्मल नहीं, देखिए बिंदी मामा का, ये बिंदी मामा टून ओरिजिनल है, ये सबसे बड़ी इनकी पहचान है बिंदी मामा की। तो देखिए ये पहचान है, ये आज तक मुझको भी नहीं पता था, आप भी देख लीजिए ये पहचान है। तो ये कैसी पहचान है कुछ आसिफ भाई बताइए इसके बारे में। ये बिंदी मामा टून ये भी है, अब बिंदी मामा ने क्या कर दिया, डोरों पे जो साइन करने लगे, एक इसकी सिर पे फट गई है, ये बिंदी मामा का ओरिजिनल टून है ये। तो देखिए ओरिजिनल टून है, साइन करा हुआ है, इधर एक नंबर का स्टिकर लगा हुआ है, ये पहचान है। आसिफ भाई ने बता दिया कि बिंदी मामा के ओरिजिनल टून की पहचान क्या है, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल चरखी पे भरा हुआ टून कोई भी कह सकता है कि ओरिजिनल है, लेकिन आसिफ भाई जो बता रहे हैं उस बात को समझिए और ध्यान से सुनिए। और बिंदी मामा से जो है डायरेक्ट लेते हैं हम, और बिंदी मामा से आप बात कर सकते हैं, आसिफ मोरंग के माल देते हैं, वो बताएंगे कि आसिफ को हम देते हैं। तो देखिए जितना भी माल मैंने अभी तक आपको दिखाया है वो सारा डायरेक्ट माल है, आप डायरेक्ट कारीगर से या फिर डोर के कारीगर से या पतंग के कारीगर से आप कॉन्टेक्ट करके खुद पूछ सकते हैं, आपको किसी और से जानने पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता चल जाएगा कि कौन ओरिजिनल माल बेच रहा है लखनऊ में और कौन डुप्लीकेट बेच रहा है। और देखिए आसिफ भाई के हाथ में एक डोर और है लाल कलर की, अब आपको लग रहा होगा ये रील है, ये रील नहीं ये टून है सलमान का। तो आसिफ भाई ये सलमान कौन है, कहाँ के हैं, कुछ बताइए इनके बारे में। ये सलमान भाई इलाहाबाद के हैं, सलमान भाई टून लेते हैं, बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म दे रहे हैं आजकल वो, बहुत ज्यादा टून दिखता है इनका, क्योंकि मामा टून बड़ा महंगा होता है, हर आदमी नहीं लिखा। तो आसिफ भाई ये जो बिंदी मामा का रेट है इसका क्या रेट है, क्योंकि टूर्नामेंट आ रहा है आदमी कुछ चाहिए तो यही टून, क्योंकि टूर्नामेंट में लड़ा लेता है, कलर ज्यादा कलर का जो टून होता है तो वो 2800 रुपए का है, लेकिन टूट जाता कहीं कहीं पर। अच्छा, और प्लेन में मेरे हिसाब से बिंदी मामा का दो कलर लेना चाहिए, क्योंकि टूटता नहीं जल्दी वो, क्योंकि लोग कलर पे जाते पीछे भागते, लोग कहते हैं कलर लीजिए, लेकिन कलर कहेंगे टूट जाता है, आदमी आता अभी वापस करने, तो हम उनको राय देंगे कि बिंदी मामा टून दो कलर में लाए या प्लेन लाए। बिंदी मामा के टून जो है कलर में ज्यादा होते हैं, इस वजह से जो है टून कहेंगे चिटक जाता है, केमिकल एक से पड़ता है, कलर एक से पड़ता है, दिखने में खूबसूरत लगता है जरूर है, लेकिन हमें खूबसूरती नहीं चाहिए, हमें पतंग चाहिए लड़ाने की छिटके पड़े अच्छे से, तो हम बिंदी मामा टून लड़ाते हैं दो कलर का, अभी मैंने आज तक मैंने 8 कलर का नहीं लड़ा है, मैं दो कलर का बिंदी मामा टून लड़ा, और बिंदी मामा टून अच्छा कोई हिंदुस्तान में टून बनाने वाला अच्छा कोई नहीं है। तो देखिए आसिफ भाई ने जो कहा आपने सुन लिया, सारी चीजें उन्होंने आपको डिटेल में बता दी कि कौन सा टून कैसा है और कैसा लेना चाहिए आपको और कौन से टून लेने से क्या नुकसान है। तो आसिफ भाई बिंदी मामा का रेट तो आपने बता दिया, 2800 रुपए बंडल है पूरा फुल, नहीं प्लेन नहीं, और ये दो कलर में रेट कम है। अच्छा, दो कलर में रेट कम है, दो कलर के रेट क्या बिंदी मामा के आपको मिलेगा 2400 का, 2400 का, और अगर प्लेन पूरा ले 2200 रुपए का, तो 2200 का प्लेन मिल जाएगा बिंदी मामा का टून, अगर आपको टूर्नामेंट के लिए चाहिए तो। तो आसिफ भाई चलिए बिंदी मामा जी की तो बात होगी, और बहुत से जो पतंग के अच्छे प्लेयर है वो जानते हैं कि बिंदी मामा से अच्छा कोई टून नहीं आता, लेकिन ये बताइए सलमान भाई का टून कैसा है और ये किस रेट अवेलेबल है। वो भी अपनी अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड देते हैं, हम भी सलमान टून लड़ाते हैं और जो है मामा भी लड़ाते हैं, सलमान टून भी बहुत अच्छा है, कम रेट का और सबसे अच्छा टून अगर सस्ता है तो सलमान का टून है। तो ये अलाहाबाद के हैं सलमान भाई, और ये जो आपके हाथ में चरखी है टून की काफी खूबसूरत है,
देखिए मैं थोड़ा करीब करके दिखा दूं, मुझे तो दूर से रील लग रही थी। तो ये किस रेट में है और कितने नंबर का ये टून है? ये तो 3 नंबर का है, 4 नंबर निकालेंगे। तो देखिए एक 4 नंबर भी निकलवा रहे हैं हमारे फैसल भाई, निकाल के दे रहे हैं। तो देखिए फैसल भाई निकाल रहे हैं 4 नंबर का टून। तो 3 नंबर और 4 नंबर के टून में क्या पैसे का भी डिफरेंस है आसिफ भाई? नहीं नहीं नहीं, इसमें पैसे डिफरेंस नहीं है, तो मोटा पतला का फर्क है। मोटा पतले का फर्क, जैसे हम ही है ज्यादातर मोटे टून लड़ाते हैं, मोटा टून लड़ाते हैं, क्योंकि जो है भारी पतंग में मोटे टून चलता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत टून है, एकदम जैसे लग रहा हल्दी लगी हुई है किसी की शादी होने वाली, बहुत बढ़िया कलर। तो आसिफ भाई रेट क्या है सलमान का ये टून का? टून जो है ये जो है 1400 रुपए का बेचते हैं। 1400 रुपए जी। अच्छा, और ये सिंगल कलर में ही अवेलेबल रहता है? सिंगल ही बनता है। 1400 रुपए में पूरा? जी पूरा। बहुत बड़े। तो आसिफ भाई देखिए आपने कुछ रीले दिखा दी जो टूर्नामेंट के लिए बहुत महंगी महंगी है, कुछ पतंगे भी आपने दिखा दी, टून भी हो गया बिंदी मामा का और सलमान भाई का। तो कुछ सस्ती डोरे भी दिखाई है जो हमारी वीडियो को देख के हो सकता है बहुत से ऐसे पतंगबाज हो जिनका बजट 1500-1600 की रेंज के करीब हो, तो उनके लिए आपके पास क्या है? लेकिन मैंने एक चीज देखी है दुकान करने में, हम तो मोहरम बालू काम तो साल कर रहे हैं जी, लेकिन मैंने देखा सस्ता सामान बहुत जल्दी बिकता है। नहीं बिकता है? नहीं बिकता है, जितना महंगा दुकान पहुँचता है वो बिकता है। तो देखिए आसिफ भाई क्या कह रहे हैं आप समझ सकते हैं, कह रहे जितना सस्ता रखेंगे वो बिकता नहीं, और जितना महंगा रख रहे हैं वो बिकता जा रहा है। जल्दी बिकता महंगा, जब जल्दी बिकता सस्ता जल्दी नहीं बिकता है, क्योंकि जो है कि आज के लड़ाने वाले जो अच्छी अच्छी डोर चाहते हैं महंगी महंगी चाहते लड़ाने के लिए, सस्ती डोर जल्दी हाथ रखते। तो आपने सुना आसिफ भाई क्या कह रहे हैं, तो आसिफ भाई ये आपने 1500-1600 की रेंज में कौन सा बंडल उठाया कुछ बताएंगे इसके बारे में? अजीम खान का रखा हुआ है, ये अजीम खान बनाते हैं अजीम भाई हमारे। अच्छा, ये हमारे बहुत पुराने दोस्तों में है, लेकिन इनका डोर का रिस्पॉन्स थोड़ा कम है। रिस्पॉन्स कम है मतलब रिस्पॉन्स के लड़ने में कम है या फिर बिक रहा कम है? बिकता इनका कम है, बिकता कम है, सस्ता है इतनी बिक रहा, महंगा हो तो सभी जल्दी। अच्छा, महंगा हो तो आदमी लेना शुरू कर दे। तो आसिफ भाई थोड़ी सी जहमत करिए और इसको खोल के दिखाइए तो लोग हमारे देख सके कि किस तरह का ये कलर है। अजीम खां हैं जो इनकी डोर हम बेचते हैं, और जो है सस्ती डोर है 1600 की रेंज में डोर है। 1600? हाँ जी। देखिए मैं एक बार ढर्रा चेक कर लेता हूँ जिससे बता सकूँ कि किस तरह की मीडियम ढर्रे की डोर है, कांटा भी है मौसम के हिसाब से बढ़िया कांटा है, एक बार लड़ा के देखिए। और जिनका बजट 1500-1600 का रेंज है वो इस डोर को बढ़िया ले सकते हैं, अच्छे ढर्रे पे डोर। और आसिफ भाई आपके पास 1500-1600 के रेंज में शानू गोल्ड, देखिए काफी पुराना नाम है और बढ़िया डोर लड़ती है। देखिए कलर भी अलग है, ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन कलर, इनका भी 16-16 के रेंज में है डोर है। तो देखिए 1600 के रेंज में है शानू गोल्ड, बढ़िया। और आसिफ भाई दो बंडल आपने दिखा दिए, 1-2-3 धागे पे, 1-2-3 धागे पे। तो देखिए 1-2-3 धागे पे जो बंडल आपको दिखाए हैं ये 1600 की रेंज में है, जो दो बंडल आसिफ भाई ने अभी दिखाए हैं जिनका बजट थोड़ा सा 1500-1600 के करीब है। तो देखिए आसिफ भाई एक बंडल और उठा रहे हैं हम लोग के लिए, चांद मियां, चांद में डोर है जो कि बहुत ही जल्दी नहीं मिलती है और बहुत ही अच्छी डोर है, बहुत ही अच्छी। ये भी देखिए हल्का सा ब्राउनिश कलर है और काफी मशहूर है चांद मियां लखनऊ में, बढ़िया डोर लड़ती है। तो ये आसिफ भाई ये क्या प्राइस है चांद मियां का? ये चांद मियां का जो 1750 का डोर है, 1750। तो देखिए थोड़ा सा 1600 से ऊपर है, और भी है वो 2000 रुपए के रेंज में, 2000 रुपए जी हम लड़ाते हैं। तो वो भी चांद मियां के नाम से? चांद मियां के नाम से, कोई ब्रांड नहीं, खाली पैसे का फर्क है, पैसे का फर्क है। उन्हीं ने 2000 की डोर बनाई, 1750 की डोर बनाई है। तो देखिए 1750 की है और 2000 वाली डोर हम दिखा रहे हैं आपको, दिखा दीजिए। तो देखिए आसिफ भाई इस डोर को बांध के खुद लड़ा, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि 2000 वाले के पैसे दे के 1600 वाली डोर लिया, दोनों डोरों के बारे में आसिफ भाई ने बता दिया है। तो ये देखिए चरखी खुली हुई क्योंकि लड़ा रहे हैं लगातार, ये बहुत संभाल डोर रखे हुए हैं, मतलब बहुत अच्छी डोर है, बहुत काटकर अच्छी कर रही है, पुरानी डोर है, बढ़िया कांटेदार डोर है, मीडियम ढर्रे की डोर है, चांद मियां की ये डोर है। तो ये बंडल है, ये तो खुला हुआ बंडल है, आप लड़ा रहे हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो आपके पास, लेकिन ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, डोर देंगे ये हम लड़ा रहे हैं, ये आप लड़ा रहे हैं। तो देखिए आपको बंडल मिल जाएगा, बढ़िया डोर है। तो देखिए काफी कलेक्शन दिखा दिए, पतंग रीले डोर ये सारी अवेलेबिलिटी है आसिफ भाई के पास, जो कि ओरिजिनल है और डायरेक्ट कारीगरों से संबंध है और डायरेक्ट कारीगर इनके पास भेजते हैं। तो देखिए एक बंडल और खोल रहे हैं हमारे आसिफ भाई, ये धमाका धमाका। आसिफ भाई ये किस रेंज में खोल रहे हैं बंडल? धमाका हमारी जो है 1700 के रेंज में डोर है, 1700 के रेंज, और डोर इसकी भी बहुत अच्छी डोर है, थोड़ा सा स्लेटी कलर है, हाँ। बढ़िया डोर लग रही है, धमाका धमाका। इसमें जो है ब्रांड सस्ते भी है, 1400 से लेके। आसिफ भाई आपके पास जो 1400 वाला इसका ब्लॉग बता रहे क्या वो भी अवेलेबल है? अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स आसिफ भाई के पास 1400 वाली रील भी है, अगर आपको ये धमाका चाहिए महंगी वाली 1700 तो ये भी मिल जाएगी। तो देखिए इसका ढर्रा मैं चेक कर लेता हूँ, बढ़िया मीडियम ढर्रे की कांटेदार 1-2-3 धागे पे डोर है।
तो बढ़िया डोर धमाका आपको दिखा दी 1700 का, और 1400 वाला बंडल भी है। और देखिए दुकान के अंदर और भी बहुत से बंडल हैं, क्योंकि पूरी वीडियो अगर मैं बनाने लग गया, आप देख सकते हैं अंदर को, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए, अगर मैं बनाने लग गया एक एक बंडल अगर आसिफ भाई खोलने लग गया, तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन निकल जाएंगे और वीडियो कम्प्लीट नहीं होगी, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाएगी। और ये आगे की फ्रेंड की दुकान है आसिफ भाई की, इसके पीछे ये पूरी बिल्डिंग है, एक पूरा घर है, मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, तो उसके पीछे पूरा गोडाउन है जिसमें और भी बहुत सा माल, बहुत सी पतंगे सब आसिफ भाई की रखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आसिफ भाई की दुकान है, ये 3 दुकानें आप देख रहे हैं चैंपियन येलो कलर से, ये अंदर तक माल भरा हुआ है। और ये एक शटर सिर्फ ओपन करते हैं, ये अंदर से देखिए रास्ता जाता है जिसमें इनका सीमेंट मोरंग बाकी चीज़ों का भी काम है। और आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये आगे को ओपन है, लेकिन पीछे देखिए आपको पिलर दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये ऊपर 3 मंजिला बना हुआ है, लेकिन आगे का छज्जा टाइप में है तो ओपन है, लेकिन छत पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि रात का समय है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और अंदर काफ़ी मटेरियल रखा है। हमारे निहाल भाई हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर मटेरियल लेने आए हैं, जो कि लखनऊ में आजकल बहुत नहले काट रहा है। निहाल भाई, आसिफ भाई से आपने कुछ लिया कि नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं इनके, मतलब रिव्यूज बता दीजिए, क्योंकि आप एक एज अ कस्टमर हैं आसिफ भाई के, तो क्या कहना चाहेंगे? आसिफ भाई सर चांदमिया ले रहे थे, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही शानदार मिला हमको। चांदमिया, तो ये चांदमिया तो 2 वैरायटी रखते हैं, एक 2000 वाली, एक थोड़ी सस्ती वाली, आप कौन सी ले गए थे? 1750 वाली। तो क्या रहा उससे? बहुत शानदार लड़ी है, बहुत शानदार लड़ी। तो देखिए, ये एज अ कस्टमर निहाल भाई बता रहे हैं, और भी बहुत से लोग आते रहते हैं, लेकिन आज आसिफ भाई ने सबसे ये कह रखा है कि आज दुकान बंद रहेगी, क्योंकि वीडियो बनवानी थी और सब यहाँ अगर बैठ जाते तो आप जानते हैं कि पतंग की दुकान में कैसी मटरगस्ती होती है, तो वीडियो बनने से रहती, इसलिए सबको मना कर दिया था आज आसिफ भाई। देखिए आसिफ भाई एक बंडल और दिखा रहे हैं, किसका है? मोबीन का चौबारा। तो देखिए एक बंडल और दिखा रहे हैं मोबीन का चौबारा, ये कहाँ के हैं मोबीन आसिफ भाई? इलाहाबाद के। तो देखिए ये भी इलाहाबाद के हैं, कल्लन भी इलाहाबाद के हैं, मोबीन भी इलाहाबाद के हैं। तो देखिए खोल के दिखा रहे हैं मोबीन का चौबारा, 300 रुपये फिरकी डोर है। तो 300 रुपये फिरकी डोर है, देख लेते हैं कैसी डोर है। देखिए थोड़ा सा आसिफ भाई खोल के दिखाइए, तो देखिए खोल के दिखाई है। तो हम मैं बता दूं कि मैंने कई चौबारे देखे हैं, लेकिन चौबारों में धार आपको बड़ी कम मिलती है, बस थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन इस चौबारे में, मोबीन के चौबारे में थोड़ा सा कांटेदार डोर है और 4 बार सूती हुई बढ़िया डोर है। तो ये धुली है सारी डोर है, नॉर्मल डोर, नॉर्मल डोर है, एक फिरकी 300 रुपये की है, मोबीन का चौबारा, ये देख सकते हैं बढ़िया डोर। और हमारे निहाल भाई चांदमिया की डोर ले जा चुके हैं आसिफ भाई से, आज मिर्जा जी की डोर लेने आए हैं। तो निहाल भाई ये बताइए, क्या मिर्जा जी की डोर पहले आपने लड़ाई है आसिफ भाई से लेके? लड़ा चुके, मिर्जा जी की डोर पहले लेके लड़ा चुके हैं, और इसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। तो मिर्जा जी के भी तो 2-3 ब्लॉग आसिफ भाई ने बताए हैं, तो ये कौन से ब्लॉक की आपने? नॉर्मल ब्लॉक ही लड़ाते हैं, नॉर्मल ही लड़ाते हैं, और उसी से ही बढ़िया रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा। तो ये देखिए नॉर्मल ब्रांड इनके हाथ में, मैं आपको नॉर्मल एक बार करीब से दिखा देता हूँ। ये बंडल इन्होंने लिया है 2200 रुपए का है। तो आज ये बताइए निहाल भाई, आप इसको लगातार बांध के लड़ाते हैं या फिर बीच बीच में कभी कभी बांधते हैं? क्योंकि 2200 का बंडल है, 2200 रुपए भी कम नहीं होते हैं,
लगातार लड़ाते हैं। अच्छा चांद मियाँ और मिर्जा जी, और देखिए सिलेटी कलर है, बहुत गजब का सिलेटी कलर है, बढ़िया डोर। तो इसका रिस्पांस कैसा रहा है? बहुत शानदार रिस्पांस है, और फंस के तो ये डोर हमारी रहेगी। फंस के अमर है। तो आपने सुन लिया कि मिर्जा जी की डोर ये जो है नॉर्मल है, जो कि 2200 वाली है, स्पीड लॉक नहीं है, ये फंस के अमर है, जो कि निहाल भाई हिंदुस्तान के मेंबर हैं कह रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग हिंदुस्तान काइट क्लब की जो फाइट होगी वो भी कवर करें। अच्छा। तो आसिफ भाई अपनी पतंगे तैयार कर रहे हैं, कल आसिफ भाई का गेम भी है। गुलाब से बहुत बढ़िया क्लब है, गुलाब नादरगंज मैदान। तो नादरगंज जहाँ से आज मैंने काइट कवर करी है कोलकाता और एवन क्लब की, वहीं से आसिफ भाई का गेम है कल गुलाब काइट क्लब से। तो देखिए आसिफ भाई कल लड़ाएंगे, तो ये आसिफ भाई कल फुप्पा की पतंग लड़ाएंगे और हम भी वहाँ मैदान पतंग जो किसी की पतंग चांद में आती है तो ज्यादा फुप्पा की पतंग लेके पहुँचते हैं। अच्छा। किसी पतंग पाँच छह पतंग काटी होती है तो चौबारा बहाने होते तो हमारी टीम बेटी उड़ा गई है, तो भारी पतंग तो चीज नहीं पाते हम तो देखिए आसिफ भाई ने बताया कल हम वहाँ से स्पीड और कोलकाता का गेम भी कवर करेंगे, जो आसिफ भाई लड़ाएंगे तो उनकी भी हम लोग एक शॉट जरूर लेंगे। तो ये थे हमारे आसिफ भाई। तो आसिफ भाई आपने पतंग डोर रील सब दिखा दी, अब आप अपना एक एड्रेस बता दीजिए यहाँ का, जहाँ से आदमी कॉन्टेक्ट करके आपसे आ सके, और एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, अगर कोई नहीं आ सकता है तो क्या आप बाहर वालों के लिए माल भिजवा सकते हैं? माल हम बेचते आए, हमने जो है जितना माल भेजा भी तब कोई नहीं कह सकता कि आसिफ भाई ने पैसे रख लिए माल नहीं भेजा। बहुत अच्छी बात है, जो चीज जो कस्टमर हमसे कहता है हम वही चीज माल लेते हैं, जबकि ये तो एक सामान लगा हुआ है काम करने का, वहाँ मजा आता है पतंग देखने का, पतंग उड़ाने का जी जी बैठे में, और जो है कस्टमर आता है तो पैसे की अपनी जगह बात है, लेकिन जो जो चीज जो कस्टमर कहता है उसी को वही माल देंगे। तो आसिफ भाई आप पहले अब यहाँ का एक एड्रेस बता दीजिए, कोई अगर मान लीजिए आसपास के शहर से या दूर से भी लेने आए तो किस एड्रेस पे यहाँ पे आए आपकी दुकान तक पहुँच सके? ये हमारा एड्रेस है लखनऊ और पुराना हैदरगंज चौराहा हमानीगंज, आसिफ ट्रेडर मोरम बालू की दुकान है, और मेरा मोबाइल नंबर है 7355014901901 जी। और आसिफ भाई आपकी पतंगों पे स्टिकर भी होते हैं कुछ आपकी दुकान के? स्टिकर मोहर होती है, मोहर होती है आसिफ काइट सेंटर के नाम से, तो मोहर हो अगर तो दिखा दीजिए लोग जान सके कि आपके यहाँ की पतंगे हैं। और आसिफ भाई की जो मोहर है जो पतंगों पे चरखी या सद्दी पे जहाँ भी लगाते हैं तो वो ये मोहर है, आप इस मोहर को देख सकते हैं। आसिफ काइट सेंटर नंबर है 7355014901। तो ये थे हमारे आसिफ भाई और ये है इनकी काइट शॉप, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके एक से एक बढ़िया मटेरियल टूर्नामेंट होने वाले हैं, जो भी लेना चाहे आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी है ले सकते।